हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए मटर छोले की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ, जो हमारे घर में हमेशा ही मौजूद रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने मटर रात में ही भिगो के रख लिए थे, साथ ही मैंने इसमें एक आलू ऐड किया है, जिससे हमारा सब्जी की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हम इसे कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। साथ ही इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक और हल्दी, थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल डाल के बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मटर बॉईल होके तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा मटर बॉईल होना चाहिए। तो अब इसे हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैशर की मदद ले रही हूँ। अगर आपके पास मैश करने वाला नहीं है तो आप करछी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ इसे मिट्टी के बर्तन में, जिससे हमारा छोले का जो स्वाद है वो और भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा, अजवाइन और राई डाल दी है, साथ ही मैंने सूखी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते ऐड करे हैं। अब इसमें हमें डाल दूँगी प्याज। अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज सुनहरा कलर का हो जाएगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैं इसमें करूँगी टमाटर ऐड। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है जीरा पाउडर। अब मैंने इसमें 1/4 के करीब पानी ऐड किया है, साथ ही ढक्कन लगा के अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पे हमारे मसाले पक चुके हैं, मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बॉईल किए छोले ऐड कर रही हूँ। तो इसे 4 से 5 मिनट तक हम फिर ढक्कन लगा के पकने देंगे। तो यहाँ पे लगभग हमारा छोला बनके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इमली का रस डाल रही हूँ, जो मैंने भिगो के रखा था इमली, इससे हमारे छोले के टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाएगा। साथ ही गार्निशिंग के लिए मैंने हरे धनिया पत्ता का ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे छोले बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया बन रखी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।